ड्रम स्विच सीरियल सेट डिजाइन फ्लैशर। ड्रम स्विच जो होता है वह ड्रम स्विच उसे क्या कहते हैं? ड्रम स्विच का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो यह घरों, कार्यशालाओं, वैवाहिक कक्षों में और मंदिरों में इत्यादि त्योहारों पर किया त्योहारों पर फ्लैश प्रकाश, झिलमिल प्रकाश और रनिंग प्रकाश से प्रकाशित करने की समान विधि है ड्रम स्विच। सजावटी लैंप्स परिपथों के लिए एक ड्रम स्विच का उपयोग किया जाता है। सजावटी लैंपों के क्रमानुसार स्विच ऑन करने के लिए इस स्विच का उपयोग किया जाता है। इसे निम्न चाल मोटर के साथ इस प्रकार जोड़ा जाता है कि लैंप उचित समय मतलब उचित अंतराल पर प्रकाशित हो सके। प्रिपरेशन ऑफ डेकोरेटिव लाइट। प्राय फ्लैशर की सहायता से प्रकाश का सजावटी प्रभाव प्राप्त किया जाता है। इसमें एक लकड़ी का ठोस बेलन होता है जो दोनों ओर लगे बॉल बियरिंग में घूमता है। लकड़ी का बेलन एक बेल्ट या कपलिंग से मोटर के साथ जुड़ा रहता है। मोटर की चाल और पुली का चयन इस प्रकार किया जाता है कि लकड़ी का बेलन कम आरपीएम पर घूम सके। लकड़ी के बेलन पर एक तांबे का रिंग चढ़ा होता है जिसके साथ विद्युतमय तार एक ब्रश द्वारा जुड़ी होती है और तीन तांबे के सेगमेंट जो एक दूसरे से 120 डिग्री दूरी दूर होते हैं। इनमें से प्रत्येक सेगमेंट का एक सिरा स्थायी रूप से तांबे के रिमों से जुड़ा होता है। जैसे ही बेलन घूमता है तीनों सेगमेंट ब्रूसों 1, 2, 3 से बारी बारी से संपर्क करते हैं। ब्रूस संख्या 1 लैंप से जोड़ा जाता है। ब्रश संख्या 2 और 3 क्रमशः L2, L3 से जुड़े होते हैं। वह क्षण दर्शाता है जब तांबे का सेगमेंट संख्या कुल चक्र के 1/3 भाग से संपर्क कर रहा है। प्रपथ संख्या 1 ऑफ हो जाता है और इसी क्षण प्रपथ संख्या 2 सजीव हो जाता है। ये आपका कपलिंग है, इसको मोटर बोलते हैं। ये बॉल बियरिंग है और ये कॉपर स्प्रिंग ब्रशेज है, ये एन सप्लाई है। अब बात आती है ये सर्किट को सर्किट फॉर मूविंग लाइट विथ फ्लैशर बोलते हैं हो जाता है और लैंप L2 प्रकाशित हो जाता है और इसके 1/3 में भाग मतलब थर्ड भाग को आगे घूमने पर प्रपथ संख्या 3 सजीव हो जाता है और लैंप 3 प्रकाशित हो जाता है। यह प्रक्रिया बार बार होने पर ऐसा लगता है कि इस प्रपथ से जुड़ी लाइटें दाएं से बाएं की ओर चल रही है। डिस्प्ले की डिजाइन आवश्यक डिस्प्ले का विन्यास लेआउट का उदाहरण के लिए ABC को पिक्चर 2 में दर्शाए अनुसार बोर्ड पर बनाए गए हैं। ये ए है, बी है और यह सी है, न्यूट्रल्स। अब बात आती है विन्यास पर लैंप की स्थिति का चिन्ह लगाए और लैंपों के अक्षर ABC समानांतर में पिक्चर 2 के अनुसार जोड़ें। इसके बाद प्रत्येक अक्षर के लैंपों को प्रभाविक के प्रदाय के साथ जोड़े और इसके बाद प्रत्येक अक्षर के लैंपों को प्रभावी प्रदाय के साथ जोड़े। सभी लैंपों के साथ न्यूट्रल को कॉमन चलाएं। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रम स्विच। बेलनाकार ड्रम स्विच नरम और कम वजन वाली लकड़ी से बना होता है। यह इस तरह से होता है, पिक्चर 3 में दिया गया है। ये लाइन और न्यूट्रल्स है। ड्रम की लंबाई फिंगर स्ट्रिप की संख्या से निर्धारित की जाती है और ड्रम का व्यास संयोजित किए जाने वाले परिपथों की संख्या पर निर्भर करता है। ड्रम की चाल यथासंभव बहुत कम रखनी चाहिए जिसे प्राप्त करने के लिए 2 पुली का उपयोग किया जाता है जिनके व्यास में उच्च अनुपात हो जैसा कि पिक्चर 3 में दिखाया गया है। ड्रम की पत्तियां अधिकतर पीतल या तांबा की बनी होती है जो ड्रम के साथ क्लिप कर दी जाती है। संपर्क पत्तियाँ पेंचों या बारीक कील से जोड़ दी जाती है।
ड्रम प्लेट की डिजाइन इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है कि यह एक चक्कर में कितनी बार इसे संपर्क करने की आवश्यकता पड़ेगी। पत्ती को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि इसका संपर्क अच्छी तरह प्रकार से बना रहे। संपर्किंग को रोकने के लिए चालक ग्रीस को ड्रम प्लेट पर लगाना चाहिए। अब आती है बात इलेक्ट्रिक मोटर की। एकल फेज निम्न चाल वाली मोटर प्राय सेडिड पोल मोटर पर्याप्त शक्ति की जो ड्रम को चला सके इस कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है। चर्च में दिया गया है ABC और ये न्यूट्रल है, लाइन है, इस प्रकार का कनेक्शन किया जाता है। लाइटिंग ऑफ डेकोरेशन। लाइटिंग ऑफ डेकोरेशन में क्या होता है कि यूज ऑफ डेकोरेशन लाइट्स आजकल विशेष अवसरों पर जैसा विवाह, त्यौहार और मेलों इत्यादि में विद्युत प्रकाश से सजावट करना समान बात है। विशेष प्रकार के विद्युत प्रकाशीय चिन्ह परिपथ ऐसे अवसरों के मनोरंजन हर्षोल्लास रंगों में चार चांद लगा देते हैं। विद्युत चिन्ह विशेष रूप से नियॉन चिन्ह विज्ञापन कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं, जिनका आकर्षण आँखों की तरफ बहुत विशेष होता है। विद्युत चिन्हों से सजावट करने से भवन की शोभा निखर जाती है और स्थल बहुत आकर्षण हो जाता है। सजावट के लिए दो विधियाँ मुख्य रूप से उपयोग की जाती हैं। बहुत छोटे लघु वोल्टता वाले उद्दीप्त लैंप चिन्ह के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो कि एक निश्चित क्रम में आवश्यक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए ऑन ऑफ किए जाते हैं। विभिन्न रंगों में विशेष प्रकार की नियॉन ट्यूब उपयोग करने के लिए ट्यूब के रंग ट्यूब में प्रयुक्त गैस के प्रकार पर निर्भर करता है। मिनिएचर इनकैंडिसेंट लैंप यानी मिनिएचर इनकैंडिसेंट लैंप जो छोटे उद्दीपक लैंप समान 6 वोल्ट 9 वोल्ट 12 वोल्ट और 16 वोल्ट की क्षमता में उपलब्ध है। ये विभिन्न रंगों के होते हैं जिन्हें श्रेणी में या श्रेणी समांतर समूह में 240 वोल्ट की उपलब्ध प्राय संयोजित किया जाता है। विभिन्न प्रकार के संदर्भ में सजावटी प्रभाव प्राप्त करने के लिए निम्न प्रकार के फ्लैशर चिन्ह उपयोग किया जाता है। स्पैलर प्रकार के फ्लैशर का उपयोग चिन्ह अक्षर से अक्षर व शब्द से शब्द जोड़ने के लिए व शब्दों को ऊपर नीचे ऑन ऑफ करने के लिए, फ्लैशिंग को ऑन ऑफ करने के लिए व रंगों को बदलने के लिए किया जाता है। गतिमान प्रकार के फ्लैशर भव प्रचालन जैसे लहराता झंडा, लौ, घूर्णन पहिए इत्यादि के लिए किया जाता है। स्क्रिप्ट प्रकार के फ्लैशर अपने नाम के अनुसार उस परिस्थिति में उपयोग किए जाते हैं जब हाथ से लिखे लेख का प्रभाव लिपि अक्षरों में आवश्यक होता है। गतिमान प्रकाश फ्लैशर 1 में दिखाया गया है। इसमें रनिंग लाइट या घूमने वाली लाइट की गति एडजस्ट की जा सकती है। इस तीन बिंदु रनिंग प्रकाश जिसने फ्लैशर लैंपों के तीन समूह होते हैं। प्रत्येक समूह के रनिंग प्रभाव के लिए अर्थात प्रत्येक ग्रुप को एक निश्चित अनुक्रम ऑन ऑफ किया जाता है। इस कार्य को करने के लिए एक छोटी श्रेणी मोटर जो भंवर धारा हानियों के सिद्धांत पर कार्य करती है को 240 वोल्ट या 115 वोल्ट या 50 हर्ट्ज प्रदान से जोड़ा जाता है। ये फ्लैशर का चिन्ह मतलब पिक्चर्स दिया गया है। क्रेन व ड्राफ्ट शाफ्ट क्रेन और ड्रम शाफ्ट के साथ जुड़े रहते हैं। यह ड्रम मोटर के द्वारा घुमाया जाता है। क्रेन या ड्रम की परिधि को इस प्रकार से काटा गया है कि ब्रुशों का संपर्क केवल तभी होगा जब घुमाव का एक निश्चित भाग उसके सामने होगा। इस प्रकार परिपथ पूर्ण होता है। हम तीन चिन्ह फ्लैशर से तीन स्वतंत्र परिपथ बना सकते हैं जो कि क्रमानुसार ऑन ऑफ ऑन और ऑफ होता है। इसका कनेक्शन दिया गया है सेफोर वाइट ग्रीन सेफ्रॉन ग्रीन वाइट स्क्वाड्रेंटल कंट्रोलर है। स्पीड इंटेंसिटी S1 S2 1 2 3 न्यूट्रल। अब बात आती है लैंप फोर्स गिवन सप्लाई वोल्टेज। सीरीज सेट डिजाइन जो होता है हमें इन्हें 6 या 9 वोल्ट वाले लैंपों को पंक्ति को डिजाइन करना है। यदि ये लैंप सीधे 230 वोल्ट प्रदाय से जोड़ा दिया जाए तुरंत फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए लैंपों को श्रेणी में जोड़ा जाता है। गणना निम्न प्रकार से होगी। 6 वोल्ट लैंप है
तो आवश्यक लैंपों की कुल संख्या 240/6 यानी 40 लैंप। प्रदाय वोल्टता में 5% संभावित परिवर्तन लेते हुए कुल लैंपों की संख्या 40+5% ऑफ 40 यानी कि 40+2 42 लैंप होंगे। दूसरा है 9 वोल्ट लैंपों के लिए कुल आवश्यक लैंपों की जो संख्या है 240/9=26.6 यानी 27 लैंप। प्रदाय वोल्टेज में 5% संभावित परिवर्तन लेते हुए कुल लैंपों की संख्या 27+5% ऑफ 27 यानी 29 लैंप होगा 27+2। 230 वोल्ट प्रदाय वोल्टेज के लिए 6 लैंपों के श्रेणी संयोजन का प्रपत्र दिखाया गया है। ये 40 NOS 6 वोल्ट 30 mA लैंप्स इन सीरीज L30L39-3 230 वोल्ट 1/4 फेज 50 Hz लाइन नोड एंड इसको फ्लैशर बोलते हैं। अब प्रिकॉशन की बात आती है, कभी भी कम वोल्टेज वाले लैंपों को सीधा मुख्य लाइन से नहीं जोड़ना चाहिए, नंगे तारों को कभी भी नहीं छूना चाहिए। उपरोक्त प्रकरण में हमें 6 वोल्ट 9 वोल्ट लैंपों के ऊपर विवेचन किया जाता है। बाजार में हमें 6 वोल्ट के लिए विभिन्न करंट क्षमता के अर्थात 100 mA 150 mA 300 mA और 500 mA के लैंप मिलते हैं। उपरोक्त धारा क्षमताओं के लिए लैंपों का आकार समान रहता है। श्रेणी में जुड़े लैंप संतोषजनक रूप से कार्य कर रह सकते हैं, इसलिए सभी लैंपों की धारा क्षमता समान होनी चाहिए। हम विभिन्न वोल्टताओं पर लैंप श्रेणी लैंपों को तैयार कर सकते हैं, परंतु उनकी धारा क्षमता समान होनी चाहिए। आइए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि आपके पास 6 वोल्ट 300 mA के 25 लैंप है और 9 वोल्ट 300 mA के 20 लैंप है, तो 230 वोल्ट मुख्य प्रदाय के लिए आप श्रेणी लैंप के परिपथ को किस प्रकार डिजाइन करेंगे? तो सभी 6 वोल्ट लैंप और शेष 9 वोल्ट के उपलब्ध लैंपों का उपयोग करते हुए, और दूसरा है 9 वोल्ट लैंप और शेष 6 वोल्ट के उपलब्ध लैंपों का उपयोग करते हुए। तो महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि श्रेणी में जुड़े लैंपों की वोल्टेज का योग प्रदाय वोल्टेज से थोड़ा अधिक होना चाहिए। तो कैलकुलेशन है, 6 वोल्ट क्षमता वाले 25 लैंपों को श्रेणी में संयोजन कर वोल्टेज ड्रॉप जो होगा 25×6 यानी 150 वोल्टेज। वोल्टेज ड्रॉप 240 है, तो 9 वोल्ट लैंप में होने वाली वोल्टेज ड्रॉप 250×40-150 यानी 90 वोल्ट है। तो श्रेणी में जुड़ने वाली 9 लैंपों की संख्या 90/9 यानी 10 हो जाएगा। तो 25 लैंप 6 वोल्ट वाले 10 नंबर ऑफ लैंप ऑफ 9 वोल्ट वाले श्रेणी में होंगे, 9 वोल्ट वाले 20 लैंपों को वोल्टेज ड्रॉप 180 होगा। करते हैं 6 वोल्ट वाले लैंप को वोल्टेज ड्रॉप 240-180 यानी 60 वोल्टेज। श्रेणी में जुड़ने वाले 6 वोल्ट वाले लैंपों की संख्या 60/6 यानी 10 हो जाएगा। 20 लैंप प्रत्येक 9 वोल्ट और 9 लैंप प्रत्येक 6 वोल्ट श्रेणी में होंगे। श्रेणी में जुड़ने वाले लैंपों की संख्या सदैव गणना किए गए लैंपों से अधिक होनी चाहिए। इसका उद्देश्य प्रत्येक लैंप में थोड़ा करंट को कम करना है। धारा कम होने से लैंपों की फ्यूज होने की संभावना कम हो जाता है। सर की फ्लैशर क्या है? तो फ्लैशर कम वोल्टता वाले लैंपों की पंक्ति में एक फिलामेंट प्रकार छोटा लैंप जिसको फ्लैशर ऑन लैंपों के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है। यह लैंप फ्लैशर प्रकाश नहीं देता है, परंतु ऑन लैंपों के लिए एक स्विच का कार्य करता है। इस लैंप में द्विधातु पत्ती होती है जो स्थिर पत्ती के साथ संपर्क करती है। यह आपका फ्लैशर है, इसको फिक्स स्ट्रिप बोलते हैं, मेटेलिक स्ट्रिप बोलते हैं फ्लैशर। जब लैंपों की पंक्ति प्रदाय के पार्श्व में जोड़ी जाती है और स्विच को ऑन किया जाता है, तो द्विधातु पत्ती को गर्म हो जाती है, इससे संपर्क टूट जाता है और अन लैंपों के लिए सप्लाई कट जाती है जिससे लैंप ऑफ हो जाता है। कुछ सेकेंड के बाद द्विधातु पत्ती ठंडी हो जाती है और संपर्क फिर बन जाते हैं। अन लैंपों के लिए सप्लाई ऑन हो जाती है और अन लैंप प्रकाशित हो जाते हैं। यह एक झिलमिलाते प्रकाश की लैंप पंक्ति है जो सजावट में उपयोग होती है। इस परिपथ को दिखाया गया है। कम वोल्टेज वाले लैंपों की प्रत्येक पंक्ति में फ्लैशर की क्षमता उन लैंपों के समान होती है जो उन श्रेणी परिपथ में होते हैं। यदि लैंप विभिन्न क्षमताओं के हो तो उस परिपथ में फ्लैशर सबसे कम धारा क्षमता होना चाहिए।
पिक्चर में दिखाया गया है लाइन S1 और फ्लैशर S2 S3 S4। अब रो नंबर 1 रो 2 रो 3 और फ्लैशर 300 मिली एम्पियर लेता है। यदि फ्लैशर श्रेणी प्रत में कहीं जोड़ा जाता सकता तो परंतु इसे स्विच की तरह सदैव प्रदाय फेज पर जोड़ना चाहिए। यद्यपि फ्लैशर श्रेणी प्रत में कहीं भी जोड़ा जा सकता है परंतु इसे स्विच की तरह सदैव फेज पर जोड़ना चाहिए। यदि द्विधातु पत्र स्थित पत्ती में वेल्ड हो जाती है और यह मरम्मत योग्य न हो तब फ्लैशर उपयोग नहीं करता है। इसे सर्किट में जोड़कर भी मालूम कर सकते हैं और इसकी स्थिति के लिए इसका परीक्षण किया जाता है, अर्थात क्या यह कार्य कर रहा है या नहीं। जब श्रेणी लैंपों में पंक्तियाँ परस्पर समांतर में जोड़ी जाती है तब फ्लैशर प्रदाय इनपुट में पिक्चर 2 की तरह जोड़ा जाता है। 3 समांतर पंक्तियों में प्रत्येक पंक्ति में 100 मिली एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। इस समांतर परिपथ में श्रेणी में जुड़ा फ्लैशर की धारा क्षमता 300 मिली एम्पीयर के बराबर होनी चाहिए। प्रदीपन यानी कि कैलकुलेशन ऑफ ल्यूमेन ऑफ इफिशेंसी। तो शोकेस लाइटिंग बहुत सारे व्यावसायिक अधिष्ठापन अपने उत्पादकों को दिखाकर प्रदर्शित करते हैं। उनमें से कुछ आवश्यकताओं का वर्णन नीचे दिए गए हैं। काउंटर और व्यवहार के सेल्फ काउंटर एंड डीलिंग सेल्फ्स। बैंकों के पिंजरों और टिकट कार्यालयों में पूरक ट्रक लाइटिंग उपकरण प्राय पिंजरों को ऊपर स्थित किए जाते हैं जिससे काउंटर पर लंबाई में प्रकाश डाला जा सके। ट्रकों को विस्तृत कांच से ढका जा सकता है या लैंपों को सील्ड करने के लिए इन्हें लंबाई में फिट किया जा सकता है। 15 से 18 इंच केंद्र से दूर 60 वाट का लैंप प्राय पर्याप्त रहता है। ये पिक्चर्स दिया गया है। छोटे धातु के ब्रैकेट प्रकार के परावर्तन प्रकाश या 25 या 40 वाट के नलिका प्रकार लैंप छोटे ऊर्ध्वाधर डिस्प्ले रैंक स्टैंड और कैबिनेट को प्रभावित रूप से प्रकाशित करें। ये इस तरह का होता है। छोटे ठोस लैंप पोस्ट दोनों 250 या 400 वाट के साइज में उपलब्ध हैं जो कॉलम या छत के ब्रैकेट संबंधों होते हैं। ये छोटे काउंटर या मेल डिस्प्ले पर विक्रय को बल प्रदान करते हैं। 10 फुट की दूरी से यह एक 250 वाट की लंबाई 12 से 48 इंच के व्यास पर स्पॉट के साइज को एडजस्ट करते हुए 200 से 250 फुट कैंडल प्रकाश देगी। प्रकाश से 12 से 15 इंच के स्पॉट साइज से 12 से 15 इंच के स्पॉट साइज से 400 वाट यूनिट 350 से 400 फुट कैंडल प्रकाश देगी। यह दिखाया गया पिक्चर्स में और झिलमिल केंद्रित परावर्तक स्पॉट लाइटें 200 से 500 वाट के साइजों में उपलब्ध है। ये लेंस इकाई की अपेक्षा कम तीव्रता का प्रकाश का पुंज बीम देती है। परावर्तन की दूरी को परिवर्तित किए बिना स्पॉट के साइज को एडजस्ट नहीं किया जा सकता। एक 200 वाट यूनिट 10 फुट की दूरी से लगभग 90 फुट कैंडल पैदा करती है। पिक्चर्स में दिखाया गया है ऊर्ध्वाधर पड़ी हुई सतह पर डंडियों में लिपटी चित्रकला चित्रित वस्त्र यानी टिपेस्ट्रीज पर्दे वन पेंटिंग को प्रदर्शन करने के लिए लेंस युक्त प्लेट इकाई जो 150 या 200 वाट के श्रेणी के होते हैं छत पर स्थित करके इन वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त होती है। ब्रैकेट प्रकार के परवलकाय पॉलिश की धातु को ट्रफ समान रूप से परिणाम देती है और अधिक गतिशीलता प्रलाभकारी है। काउंटर और सेल्फ के प्रदर्शन के लिए फुट लाइट प्रकार की ट्रफ लाइटिंग उपयुक्त रहती है जो कि एकल प्रकाश परावर्तन की रेंज के होते हैं। ये काउंटर कार्ड और छोटे प्रदर्शन को सेल्फ ट्रफ तक बढ़ाकर प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि दिखाया गया है चित्र में ट्रफ फुल लाइटें जो कि बदलने वाली होती है ये चिन्हित पैनल को प्रकाशित करती है और फालतू स्थान को बहुमूल्य प्रदर्शन के साथ बदल देता है। पिक्चर्स में ये दिखाया गया है ये ड्रेपरी इस तरह से दिखाया गया है। आवश्यक और प्रारंभिक सामान के लिए जैसा कि किराना का सामान जहां
पर विशेष प्रकार से दिखाने की अपेक्षा वस्तु की ओर ध्यान खींचना आवश्यक होता है। वहाँ के सेल्फ लाइटिंग उपकरणों में कम इंजीनियरिंगों के शोधन की आवश्यकता होती है। वहाँ पर इन ट्रफ परिवर्तनों पर जोर दिया जाता है जो विज्ञापन प्रतीक को बदलने पर प्रकाश दे सकते हैं, संतोषजनक होते हैं। जैसा कि स्थिति आज्ञा दे उसके अनुसार 40 से 100 वाट के लैंपों के लिए सॉकेट को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर फिट किया जा सकते हैं। सीज। अब बात आती है कॉलम या आंतरिक रूप से बनी सेल्फों में प्रकाश का प्रदर्शन करने के लिए। प्रत्येक सेल्फ के सामने सिरों से निकले हुए धातु के ढले हुए सिरे नॉइजिंग पर छोटे 25 वाट के नलिका आकार के लैंप कंसील किए जाते हैं। जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है, लैंपों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ल्यूमी लाइन लैंप निश्चित रूप से अनेक स्थितियों में समान रूप से उपयुक्त होते हैं। कांच का समान और बोतल के समान का प्रदर्शन बहुत अधिक आकर्षित करने वाला रंगीन होता है। यदि इस पर पिक्चर 8 में दर्शाए गए अनुसार प्रकाश से प्रकाश फेंका जाए, एक दूधिया ग्लास ओपल ग्लास पैनल के अंदर बल्ब की दूरी कांच से इसके पीछे 1.12×9 हो तो एक समान प्रकाश उत्पन्न करता है। यह उपयुक्त प्रकाशित पृष्ठभूमि प्रदान करती है, बोलते हैं टाइज, और ये टाइज रैक है। इस प्रकार से खिड़की सॉक्स के लिए उपयोग होने वाले वृत्ताकार ट्यूब्स, सर्कुलर ट्यूब्स यूज्ड टू विंडो शो केस। वृत्ताकार ट्यूब के लिए ब्लास्ट विशेष प्रकार से डिजाइन किए जाते हैं। और पोर्टेबल लैंप, लैंप्स के स्तंभ और उथली दीवार और छत के पिक्चरों में सरलता से असेंबल होने के लिए स्वीकार किए जाते हैं। कुछ इस प्रकार के भी डिजाइन किए जाते हैं जो ट्यूब के वृत्त के अंदर फिट हो जाते हैं। ब्लास्ट उपकरण 8.1×4 इंच 22 वाट 12 इंच 32 वाट के लिए डिजाइन किए जाते हैं। वृत्त की लाइन में 2 एकल लैंप ब्लास्ट सम्मिलित होते हैं, जिनमें एक शक्ति गुणक सही नहीं होता है और दूसरे का शक्ति गुणक ऊँच होता है। अनेक प्रकार के पोर्टेबल लाइटिंग उपकरण है। ड्रेसिंग टेबल, डेस्क लैंप, वेंटी दर्पण, वेंटी मिरर, डाई रैंक, प्रदर्शन इकाई, महिलाओं का निजी कमरा के लैंप होता है। पिक्चर 9 और 10 में दिखाए गए हैं, जिनमें 8.1×4 इंच की वृत्ताकार लाइन उपयोग होगी, जिसका आधार पतला व स्तंभ भी पतला होता है। डिस्प्ले यूनिट, अब ये दिखाया गया है आपका दुकान में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए शोकेस व विंडो केस को प्रकाशित किया जाता है। जब ग्राहक सामान को देखे तो उस समय उचित प्रकाश से उसे सामान का उचित रंग और सूक्ष्म विकिरण दिखाई देना चाहिए। अनेक प्रकार के सामानों को शोकेस में विभिन्न रंगों और साइज आकार व सुगमता इत्यादि के साथ प्रदर्शित किया जाता है। उल्लेखित गुणों के आधार पर शोकेस में लाइटिंग भिन्न भिन्न प्रकार की होगी। विभिन्न शेड व रंगों को पड़ते उपयोग की जाती है। व्यापारिक इन्हें समय समय पर इनकी प्रकार को बदलेगा और समय समय पर प्रदीप्त बदला जाएगा, अतः समान आवश्यकता की अपेक्षा अधिक विद्युत बिंदुओं की आवश्यकता होगी, जिनको आवश्यकता अनुसार शोकेस के किसी भी भाग के लिए उपयोग किया जा सकेगा। अब होता है क्वार्टर्ज लाइट, यानी कि क्वार्टर्ज लाइट जो होता है हेलोजन लैंप्स को बोलते हैं। ये टंगस्टन हेलोजन या क्वार्टर्ज आयोडीन लैंप भी कहलाते हैं। आजकल के ये लैंप चलचित्र बनाने वाले दृश्यों से अधिक उपयोग होते हैं। ये टंगस्टन लाइट की अपेक्षा छोटे, हल्के व अधिक दक्ष होते हैं। एक छोटी स्फटिक कांच की ट्यूब में टंगस्टन धातु युक्त फिलामेंट होता है, जिसके साथ हेलोजन गैस प्राय आयोडीन भरी होती है। आयोडीन की उपस्थिति में यह गारंटी मिलते हैं कि बल्ब काला नहीं पड़ेगा और आउटपुट प्रकाश व रंग का तापमान स्थिर रहेगा। अधिकतर क्वार्टर्ज लैंप 250 घंटे तक चलते हैं और 3 से 200 डिग्री केल्विन अपना रंग तापमान को क्षमता रखता है। बैटरी लाइफ पर इनकी आउटपुट 150 से 350 वाट तक परिवर्तित होता है और मुख्य पावर सप्लाई पर 200 से 10,000 वाट तक के लिए उपयोग होते हैं। क्वार्टर्ज बल्ब को कभी भी नंगे हाथों से स्पर्श नहीं करना चाहिए, चाहे ये अप्रकाशित ही क्यों न हो।
क्योंकि त्वचा में मौजूद तेजाब बल्ब को समय से पूर्व विफल कर देगा। बल्ब को सदैव एक छोटे टिशू कागज से पकड़ना चाहिए। खुले परावर्तक में सेट क्वार्टर्ज बल्ब का संभवतः सबसे समान प्रकाश की क्वार्टर्ज लाइट है। ये वाटेज की बड़ी प्रकाश में उपलब्ध है जो 200 से 2000 वाट के बीच है, परंतु कोई 10000 वाट तक उच्च हो सकता है। एक अनेक मॉडलों में क्वार्टर्ज के बल्ब को आगे पीछे चलाकर इनकी लाइटों को फोकस किया जा सकता है। आजकल बल्ब की ऊष्मा को संचारण को कम करने के लिए फाइबर ग्लास हाउसिंग के साथ अनेक बहुत अच्छे लैंप बनाए जाते हैं। मूल क्वार्टर्ज प्रकाश किट में प्राय 3 लाइटें होती है जिनमें प्रत्येक में 1000 वाट की हो सकती है। ये प्राय द्वारा बारडोर्स और स्टैंड्स के साथ सुसज्जित होते हैं। ये बाउंस डोर्स है, क्वार्टर्ज रिफ्लेक्शन लाइंस इसको बोलते हैं, स्टैंड ल्यूमिनस एफिशिएंसी कैलकुलेशन। ल्यूमिनस एफिशिएंसी प्रदीप्त दक्षता प्रकाश स्रोत सके कि प्रकाश विजिबल दिखाई देने वाला प्रकाश प्रकाशक उत्पन्न होता है इसकी मापन करता है। यह प्रकाश स्रोत की मापन की राशि है जो ल्यूमिनियस फ्लक्स और लैंप वाट पावर जिसको वाट में अनुपात में परिभाषित किया जाता है, ऐसा ल्यूमेन पर वाट होता है। एफिशिएंसी होता है ल्यूमिनियस फ्लक्स इन ल्यूमेन बटा पावर इन वाट्स। विद्युत खपत की तुलना में हमें कितनी प्रकाश प्राप्त होती है यह ल्यूमिनियस दक्षता से प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए महत्वपूर्ण सूत्र है। पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ल्यूमिनियस एफिशिएंसी, विशेष घरों में विद्युत बिल का 30% प्रकाश व्यवस्था में खर्च होता है। अधिक दक्षता का लाइट उपयोग कर खर्च कम किया जा सकता है। धारण के लिए उपयोग किए जाने वाला 60 वाट का बल्ब 860 ल्यूमेन उत्पन्न करता है और ल्यूमिनियस दक्षता की गणना कीजिए। सो एफिशिएंसी बराबर ल्यूमिनियस फ्लक्स इन ल्यूमेन और पावर इन वाट्स। बात आती है अब 180/60 यानी कि 14.3 ल्यूमेन पर वाट। यदि किसी प्रकाश स्रोत की ल्यूमिनियस फ्लक्स और पावर दिया गया हो तब ल्यूमिनियस दक्षता ज्ञात किया जा सकता है। यह हमारे लिए उपयोगी है कि बाहर से लाइट बल्ब लैंप खरीदते समय बल्ब में वोल्टेज और ल्यूमिनियस फ्लक्स अंकित होता है। इस गणना विधि का उपयोग कर हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे घर के लिए कितनी दक्षता की बल्ब लैंप चाहिए। अब बात आती है ज्योति तीव्रता या ल्यूमिनियस दक्षता को औसतम चमक या प्रकाश की वह मात्रा है जो मनुष्य के लिए दृश्यक या संवेदनशील की सीमा के भीतर की अवधारणा को वर्णन किया जाता है। फ्लोरोसेंट लैंप की तुलना LED से 55 से 70 ल्यूमेन पर वाट और इनकैंडेसेंट बल्ब के साथ 30 से 18 ल्यूमेन पर वाट होता है। इनकैंडेसेंट लैंप और फ्लोरोसेंट लैंप की अपेक्षा बहुत कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। CFL बल्ब की इनकैंडेसेंट लैंप से 4 गुना अधिक दक्षता होती है। इसकी उम्र भी इनकैंडेसेंट से 10 गुना अधिक होती है। अत्यधिक ऊर्जा बचने वाले बल्ब उपलब्ध है जैसे हेलोजन इनकैंडेसेंट बल्ब्स, CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप और लाइट इमिटिंग डायोड्स LED। इस कीमत सामान्य परंपरागत लैंप 5 या 10 गुना अधिक है इनकैंडेसेंट बल्ब से, परंतु इसका उपयोग कम ऊर्जा खपत में अधिक रुपया पर पैसा बचाया जा सकता है।